हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एमएस एक्सेस में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं और यूनिट वाइज बताऊंगा जो आपके अभी दिसंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप यदि इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप 100% पास हो सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन यूनिट वन से। लेकिन इसके पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक और कमेंट कीजिए। और एमएस एक्सेस में आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब में। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपका एमएस एक्सेस की यूनिट वन से है। ठीक, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका प्राइमरी कुंजी क्या है, है ना। तो प्राइमरी कुंजी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है और टेबल की प्राथमिक कुंजी की पहचान कैसे करोगे इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो प्राइमरी की क्या होती है आपकी, यहाँ पर मैं थोड़ी सा बता दे रहा हूँ कि प्राथमिक कुंजी आपकी क्या होती है। प्राथमिक कुंजी या इसको प्राइमरी की भी बोला जाता है। तो एमएस एक्सेस में आप जानते हो कि जो भी डेटाबेस तैयार किया जाता है वो टेबल के रूप में किया जाता है। किसमें? टेबल के रूप में। और टेबल में जो भी डेटा हम लिखते हैं वो किसमें? रो और कॉलम में स्टोर करते हैं। तो रो को रिकॉर्ड वाला बोला जाता है, रिकॉर्ड, और कॉलम को फील्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फील्ड। ठीक है, तो आपके डेटाबेस में जो भी फील्ड होते हैं, है ना, फील्ड मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पर कोई भी टेबल बनाते हो, क्या करते हो, कोई भी टेबल बनाते हो। टेबल में मैंने यहाँ पर रोल नंबर लिख दिया और यहाँ पर मैंने स्टूडेंट नेम लिख दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लास। ठीक है, कौन सी क्लास का है। तो आप यहाँ पे प्राइमरी कुंजी कैसे बताओगे, जैसे रोल नंबर है तो यहाँ पर हमारी प्राइमरी की हो जाएगी, ये क्या प्राइमरी की हो जाएगा, रोल नंबर। प्राइमरी की क्या होती है, वैसे तो टेबल में जो फील्ड होते हैं उन्हीं में से हम क्या करते हैं, की निर्धारित करते हैं। लेकिन प्राइमरी की क्या होती है आपका, प्राइमरी की एक यूनिक की होती है जिसका कोई दूसरा मान नहीं हो सकता है ना। उस फील्ड को हम प्राइमरी की निर्धारित कर सकते हैं टेबल में। जैसे रोल नंबर क्या होगा, कोई यहाँ पर स्टूडेंट नाम का कोई दूसरा रोल नंबर नहीं हो सकता, मतलब अलग से कोई दूसरा रोल नंबर नहीं हो सकते, जिसके दो मान नहीं हो सकते। उस फील्ड को हमको क्या करना है, प्राइमरी की चुनना है। ठीक है, फिर इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो आप ये बता सकते हो। फिर आता है अपना दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है यहाँ पर हमारे एमएस एक्सेस फर्स्ट यूनिट में कि एमएस एक्सेस डेटाबेस में कितने भाग होते हैं और प्रत्येक भाग को समझाइए। तो एमएस एक्सेस में हमारे जो भाग होते हैं, भाग का मतलब यहाँ पर ये है कि एमएस एक्सेस में आप किस प्रकार का डेटा तैयार करोगे। ठीक है, तो एमएस एक्सेस में आप जानते हो कि जितना भी डेटा है आप टेबल के रूप में स्टोर करते हो। तो पहला भाग आपका क्या जाएगा एमएस एक्सेस में, पहला भाग क्या है आपका, टेबल होता है। क्या होता है यहाँ पर, टेबल। ठीक है, दूसरा आपका जाएगा यहां से क्वेरी, क्वेरी। ठीक, तीसरा जाएगा फॉर्म और चौथा आता है रिपोर्ट, चौथा आता है रिपोर्ट। तो आपको यहाँ पर ये चार भाग ही लिखना है, कितने, चार भाग। ठीक है, और इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी सा डिटेल लिखना है। ठीक, यहाँ पे आप टेबल को क्या लिख सकते हो कि टेबल में जो भी डेटा हम डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर करते हैं उसको टेबल के रूप में करते हैं, और टेबल में जो भी डेटा स्टोर होता है वो रो और कॉलम में होता है। रो में जो हम डेटा लिखते हैं उसे रिकॉर्ड कहा जाता है, और जो डेटा हम कॉलम में लिखते हैं उसे फील्ड कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। फिर आता है क्वेरी। तो क्वेरी क्या होता है हमारा, टेबल में क्वेरी की बात करें यहाँ पर, तो क्वेरी क्या होता है, जो आपका डेटाबेस होता है डेटाबेस में से हम किसी फील्ड को छांट सकते हैं या कुछ भी चीज ढूंढ सकते हैं, तो क्वेरी यहाँ से जाएगा, क्वेरी के बारे में लिखना है। फॉर्म, फिर तीसरा जाएगा
फॉर्म। तो फॉर्म क्या होता है आपका, फॉर्म एक क्या होता है यहाँ पर, रिकॉर्ड का समूह होता है। क्या होता है, आपके रिकॉर्ड का एक समूह होता है या डेटाबेस का समूह होता है, जिसका यूज डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। काहे के लिए किया जाता है, फॉर्म का डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई भी डेटा है हम फॉर्म में क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा रिपोर्ट। तो रिपोर्ट क्या होता है, आप जितनी भी टेबल है, डेटाबेस तैयार करने के बाद यदि हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं, ठीक है, डेटाबेस को प्रिंट करना चाहते हैं, तो रिपोर्ट, रिपोर्ट एक प्रकार का आपका आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। ठीक, फिर आपका जाएगा तीसरा क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन क्या है, ठीक है, और कितने प्रकार का होता है। तो आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो होता है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में लिखना है यहाँ पर, कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आपका, ठीक है, और उसके प्रकार बताना है। ठीक है, जैसे नॉर्मलाइजेशन में आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आता है, इसको फर्स्ट एनएफ बोला जाता है, सेकंड एनएफ बोला जाता है, थ्री एनएफ, ठीक है, आपके ज्यादातर ये तीन ही आते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म की यहाँ आपको नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन देना है और ये तीन की जानकारी आपको यहाँ पे टाइप में देना है कि यह कितने प्रकार का होता है। फिर आपका जाता है फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे, जर्नलाइजेशन तथा स्पेशलाइजेशन से आप क्या समझते हैं या इनके बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। जर्नलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, तो आपका जर्नलाइजेशन क्या होता है, आप इसमें जर्नलाइजेशन क्या होता है, आप इसमें कॉमन फील्ड को अलग करोगे, है ना, और जो कॉमन नहीं है उनको अलग करोगे। ऐसी स्पेशलाइजेशन में तो इनके दोनों की क्या करना है आपको, डेफिनेशन बताना है यहाँ पर, दोनों के बीच में अंतर बताना है। फिर आ जाएगा आपका RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पर इसके बारे में बताना है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, तो इसके बारे में बताना है आपको कि डेटाबेस जो हम तैयार करते हैं, है ना, टेबल तैयार करते हैं, तो उसमें कम से कम दो कॉमन फील्ड रखते हैं, और कॉमन फील्ड रखने के बाद हम जब उसमें रिलेशनशिप स्थापित करते हैं, चाहे वन टू वन हो या वन टू मैनी हो, है ना, तो वो क्या कहलाता है आपका, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देना है। फिर आ जाएगा रिलेशनशिप क्या है, प्रकार बताइए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रिलेशनशिप क्या है, प्रकार बताइए। तो रिलेशनशिप के बारे में बताना है आपको कि रिलेशनशिप क्या होता है। तो रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर आपको ये बताना है कि जब हम एमएस एक्सेस में डेटाबेस तैयार करते हैं, तो रिलेशनशिप बनाने के लिए दो या दो से अधिक टेबल के बीच में हम कॉमन फील्ड में रिलेशन करते हैं। कॉमन मतलब जब आप दो टेबल बनाओगे तो आपके दो कॉमन मतलब एक से फील्ड होना चाहिए, उनके बीच में आप क्या करोगे, रिलेशनशिप बनाओगे, तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, प्रकार रिलेशनशिप आपका आ जाएगा यहाँ पे वन, चार प्रकार का रिलेशनशिप होता है आपका, वन टू वन, वन टू वन, दूसरा आ जाएगा वन टू मैनी, तीसरा आ जाएगा मैनी टू वन, मैनी टू वन, और चौथा जाएगा मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी। ठीक है, तो यहाँ पे वन टू वन मतलब क्या हो जाएगा, जब हम दो दो या दो से अधिक टेबल में, है ना, क्या करते हैं यहाँ पर, दो या दो से अधिक टेबल में एक एंटिटी के बीच क्या करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, वन टू वन रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे यदि मैं बोलूं कि एक डिपार्टमेंट में आपका एक एचओडी होता है, तो इस प्रकार का रिलेशनशिप क्या कहलाता है आपका, वन टू वन, और वन टू मैनी। वन मतलब क्या होता है, वन, यहाँ पर भी वन होना चाहिए, यहाँ पर भी वन, यहाँ पे वन और यहाँ पे बहुत सारे, मतलब यहाँ पे दो या दो से अधिक आ जाएंगे, मतलब मैनी, मतलब जैसे यहाँ पे मैं बोलूंगा यहाँ पर कि एक
कोर्स को बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, या एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंटों का हम एडमिशन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका वन टू मैनी, और मैनी टू वन मतलब बहुत सारे में वन आना चाहिए यहाँ पे। तो जैसे हमने बोला एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, तो ये वन टू मैनी हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा मैनी टू वन, मैनी मतलब बहुत सारे, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट एक टीचर से पढ़ सकते हैं, तो इस तरह का रिलेशनशिप आपका क्या लाएगा मैनी टू वन हो। मैनी टू मैनी में क्या जाएगा यहाँ पे बहुत सारा और यहाँ पे भी, मतलब दो या दो से अधिक यहाँ पे भी हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि एक यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे कस्टमर, या मैं यहाँ पे बोलूँ कि प्रोडक्ट और कस्टमर का यहाँ पे यदि मैं रिलेशनशिप बनाऊं, है ना, तो एक साइड मैंने बोल दिया प्रोडक्ट और एक साइड मैंने बोल दिया यहाँ पर कस्टमर तो दोनों साइड से क्या होना चाहिए पे मैनी टू मैनी। जैसे मैंने बोला एक ही प्रोडक्ट वो क्या कर सकते हैं बहुत सारे कस्टमर खरीद सकते हैं, और बहुत सारे कस्टमर एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारे कस्टमर खरीद सकते हैं, और दूसरी बात यहाँ पे यह जाएगी कि बहुत सारे कस्टमर एक ही प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ये यहाँ पे आपका क्या जाएगा रिलेशनशिप, इनके बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन है आपके यहाँ पर एमएस एक्सेस में फर्स्ट यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। धन्यवाद।